हेलो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा कि हम ग्रिड मेथड का यूज़ करके आउटलाइन किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि ग्रिड मेथड का यूज़ करके आउटलाइन कैसे बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये रफ़ पेपर है और ये एक कंपास में मैंने पेंसिल लगाई है। देखिए, ये ड्राइंग बनाऊंगा तो इसमें मैंने ग्रिड पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, मतलब कि एक ऐप का यूज़ करके। तो हम इसे मेज़र कर लेते हैं। तो देख लीजिए, कुछ मैंने इस तरीके के बना लिए हैं। मैंने वीडियो थोड़ा सा स्किप कर दिया है। तो आपको हर तरफ इस तरीके से बना लेने हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो लाइन खींचने के लिए। तो मैं पूरी तरफ बना लेता हूं। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब इसके ऊपर स्केलिंग करते हैं। रुकिए, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग वीडियो भी छोड़ के चले जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए प्लीज़। तो वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिलेगी और चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा एक वीडियो को। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से मैंने पूरे में बना लिया है। पहले आपको मतलब ग्रिड चारों तरफ बना लेने हैं, तभी आप इस तरीके करिएगा। एक तरफ मत बनाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से पूरे में बना के आपको लाइनिंग कर लेनी है। आउटलाइन बनाने का ये एक तरीका है जिससे हम एकदम परफेक्ट आउटलाइन बना सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा ना ऊपर ज़्यादा नीचे, एकदम परफेक्ट आउटलाइन। तो इस तरीके, पहले मैं बॉक्स काउंट कर लेता हूँ कौन से बॉक्स में क्या है। तो इस बॉक्स में आई थी तो मैंने आई बनाना शुरू कर दिया, देख लीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, वो भी कितना ऊपर है और कितना नीचे, बस इतना ध्यान रखना है। और अगर आपको मतलब बनाना सीखना भी है तो आपको ऐसे नहीं सीख पाएंगे आप, आपको पहले शेप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। फिर चाहे आप जितनी भी वीडियो देख लीजिए, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपसे बनेगा। मुझे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है इसलिए मुझसे बन जाता है। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। जिस तरीके मैं बना रहा हूँ आप बस उसे ऑब्ज़र्व करिएगा और बनाइएगा। अभी आपको एकदम क्लियर आउटलाइन नहीं बनानी, हल्की रफ़ बनानी है, मतलब रफ़ आउटलाइन आप बना सकते हैं एकदम हल्की। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप आउटलाइन बनाएं तो एकदम परफेक्ट ना बनाएं, पहले उसको हल्का रफ़ बनाएं, उसके बाद आप उसको इरेज करके ठीक कर लीजिएगा। ये ग्रिड मेथड के लिए यूज़ होता है। बाकी आप अगर फ्री हैंड आउटलाइन करें तो आप बना सकते हैं। मतलब आउटलाइन बनाने के तीन तरीके होते हैं, एक ग्रिड से बना सकते हैं और एक मेजर करके बना सकते हैं स्केल का यूज़ करके, और एक फ्री हैंड जो आप मतलब इजी ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिसमें ज़्यादा डिटेल ना हो या फिर उसका एंगल सही ना हो ज़्यादा, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं फ्री हैंड आउटलाइन। ज़्यादा डार्क भी नहीं बनानी है, एकदम लाइट आउटलाइन बनानी है। वो तो मैं वीडियो में दिखाने के लिए डार्क बना रहा हूँ। और आउटलाइन बनाने के लिए आप हमेशा लाइट पेंसिल का यूज़ करा करिए। देखिए, जिस तरीके से मैंने शार्प करी है पेंसिल, कटर का यूज़ करके उस तरीके से आप भी कर सकते हैं आउटलाइन के लिए और शेडिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका मैं पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि हम किस तरीके से एक रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। तो वीडियो को इन्जॉय करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा फ्रेंड। पूरा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं आगे की वीडियो लाने के लिए जल्दी कोशिश करूँगा।